हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नयापुरा पुले के पास में जो बावड़ी बन रही है उसका व्यू दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको चंबल रिवरफ्रंट की और भी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो चंबल पुलिया है नयापुरा की, इसके समीप अभी यहाँ पर बावड़ी का कार्य चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बावड़ी बनाई जा रही है। अभी ऊपर के डिज़ाइन तो लगभग बनकर तैयार हो गई है, और नीचे भी आप देख सकते हैं पुराने तरीके से जो बावड़ियाँ वगैरह बनी होती थी उसी तरीके से इस बावड़ी को बनाया जा रहा है। चारों तरफ पत्थर पे निकासी की गई है, मतलब डिजाइन वगैरह बनाई हुई है। इधर गार्डन के लिए दोब वगैरह लगाई जा रही है, और साथ में जो पुराना परकोटा है इसको भी डिजाइन किया जा रहा है कलर से, ताकि जब पर्यटक यहाँ पर आएँ तो उनको अच्छा लगे। इधर से भी आप व्यू देख सकते हैं इस बावड़ी का, और उधर से भी आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पत्थर वगैरह नीचे फर्श पे लगा दिए हैं, दो वगैरह यहाँ पर लग रही है, और पुराने परकोटे भी आप देखिए प्लास्टर वगैरह करके और वाइट कलर से हैं पेंट किया जा रहा है। पूरी जो राजस्थानी शैली है उस तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए जाली बल्ली अभी यहाँ पर लगी हुई है, ऊपर डिजाइन भी हो गई है थोड़ी बहुत। तो ये कुछ पत्थर वगैरह हैं यहाँ पर जो भी लगाने बाकी हैं। अभी हम चलते हैं और आगे। ये देखिए यहाँ पर जो पिलर वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। तो इस तरीके से चंबल रिवर फ्रंट का जो काम है वो चल रहा है। इधर फर्श शायद ख़राब हो चुका है, इसलिए दोबारा से इसको बनाया जा रहा है। और इधर पैदल चलने वालों के लिए ये पगडंडी बनाई हुई है, तो बहुत ही मजबूत ऐसे हैं इस पगडंडी को बनाया हुआ है। जो पत्थर आता है पक्का वाला उसको लगाया गया है। ये देख सकते हैं आप इधर बावड़ी का व्यू, सामने नयापुरा की जो नई पुलिया है इसी के पास में इस बावड़ी का निर्माण किया जा रहा है। और सामने भी देखिए एक गोलाकार आकृति में घोड़े वगैरह यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से हम चलते हैं थोड़ा आगे, इधर तो केवल छतरियाँ वगैरह ही है। थोड़ा मैं आपको आगे चल के व्यू दिखाऊँगा। अभी हम और आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर जो पुरानी धोब है वो लगी हुई है, ये देखिए आप। अब हम वापस से आ चुके हैं बावड़ी के पास में। ये बावड़ी का व्यू देखिए आप, यहाँ पर इस तरीके की ये बावड़ी हमें दिखाई देती है। चारों तरफ यहाँ पर गेट बनाए हुए हैं इस बावड़ी में जाने के लिए, और ये देखिए पिलर बड़े बड़े सीमेंट के बनके तैयार हो चुके हैं। अभी हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ अभी यहाँ पर लगाया जा रहा है। देखिए घोड़े वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, एक घोड़ा मेरे पीछे की साइड पे देखता हुआ। इधर देखिए सीमेंट सी आकृति के डिजाइन यहाँ पर रखी हुई है, तो इसमें सब ये लगेंगे। अभी ऊपर वायर को बिछाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर सामने चंबल पुलिया आ जाती है वापस से। इस साइड पे पूरी चंबल पुलिया आपको दिख जाएगी आसानी से, ये देख सकते हैं। और जस्ट इसके पास में ही ये घोड़े यहाँ पर लगाए हुए हैं इस तरीके से। ये पूरी बावड़ी का व्यू आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घोड़े की टांगे हैं वो लगाना बाकी है, तो इसमें फिक्स किया जाएगा। यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं इसमें इसके टांग को फिक्स किया जाएगा, और इस वाली को तो फिक्स कर दिया है। ये सामने की तरफ देखता हुआ और ये पीछे की तरफ देखता हुआ एक घोड़ा ये है, तो जो सेम पोजिशन में है दोनों साइड पर। सामने भी आप देख सकते हैं पत्थर को भी डिजाइन किया जा रहा है, और नीचे भी आप देखिए जो फर्श है
उसको लगाया जा रहा है, क्योंकि जो फर्श है दोस्तों ये पूरा इस तरीके के पत्थर से बनेगा, पूरा मजबूत पत्थर है ये, तो खुदने का काम ही नहीं है, बहुत मजबूत है ये इसमें, क्योंकि नदी का पानी यहाँ पर आ जाता है। और कारीगर हैं अब इसको बनाने में जुटे हुए हैं इधर। तो दोस्तों ये जो नयापुरा की पुलिया है, इसके पास में जो बावड़ी बन रही है इसका व्यू आपको मैंने दिखा दिया है, इस तरीके से पूरी बावड़ी बन रही है। और अभी मैं छाया में खड़ा हो गया हूँ, जो ये छतरी है दोस्तों इसके नीचे मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही थी, इसलिए मैं अभी यहाँ पर खड़ा होकर और आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये कुछ व्यू था यहाँ का, मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा।